एक तरफ जहां कोरोना के तीसरी लहर को रोकने को लेकर पूरे देश में व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द अधिकांश लोगों को वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज दे दिया जाए ताकि तीसरी लहर को नियंत्रित करने में आसानी हो। एक माह पूर्व अधिकतर लोग वैक्सीन के नाम से डरे हुए थे, लोगों के मन में कई तरह के सवालों से ज्यादा अफवाहें थी। विशेष तौर पर गांवा प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल्य गांव के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर काफी वहम था। इस बाबत कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि टीम पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में लगी रही। कई जगहों पर तीर धनुष भी लोगों ने निकाल लिया, उन्हें लगा कि डरा देंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, मगर जहां देश की सुरक्षा की बात है वहां से सत्यार्थी फाउंडेशन के जुझारू कार्यकर्ता पीछे कैसे हट सकते हैं। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, डीलर संघ, आंगनबाड़ी सेविकाओं और शिक्षा विभाग की टीम के साथ मिलकर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सुदूरवर्ती गाँव में अब लोगों की भ्रांतियाँ भी कम हो रही है, मगर हम सभी को सुदूरवर्ती गाँव में वैक्सीनेशन को लेकर विशेष पहल करने की जरूरत है। बलथरवा में आज सुबह तक लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर भ्रम था। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद आरिफ अंसारी ने युवा मंडल अध्यक्ष रमेश हांसदा व शिक्षक सूरज देव कुमार के साथ मिलकर डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया, तब जाकर लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में हेल्थ कर्मी प्रियंका मरांडी, यशोदा कुमारी, नारायण मंडल, अनिल कुमार, रमेश हांसदा, तालकेश्वर पासवान, प्रकाश साव, सूरज देव कुमार, दासो हांसदा, राजू हांसदा, छोटू कुमार, फुलवा कुमारी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी का अहम योगदान रहा। टीकाकरण कैंप लगा है अब जो तो लग चला करते सुई बन अठा खेगी स्वास्थ्य भी चेक बाब रुआ बड़ा रुआ खाब इनते ना बाठे हेना रान एम कार्ड चला करते इनते कुली करते इनते एमागे दुखरा इसके बाद दकामी कटी जम करते बाद रान जम में इसके बाद दो घंटा बाद और हम जम दें टीकाकरण अब 18 साल को जितने भी बाबा तक बया तक दादा तक उनको और टीकाकरण सुई बन सुई तेज चेक चिका खाली बार दिन मात्र रुआ रुआ रान को एम ठोको रुए नाम तो ना रान एमामा जम ले चार घंटा बाद रान बाद जैसे सुअ रुआ रुआ बुझे तो ना सुमन बहना उन्हीं ठे चला में रान हेना एमकान बस खुरा टीका ले लिए दादी? ठीक लग टीका लिए तो कैसा लग रहा? ठीक लग रहा है। लग रहा है ठीक? ठीक लग रहा है। तो सबको टीका लेना चाहिए ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हम बलथरा में जो टीकाकरण कट कैंप लगा है तो सुई लगवाने से पहले तो लोगों को बहुत सा डर था कि आदमी को बुखार लगता है और कुछ अफवाह फैला देते थे। आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से और मेहनत के वजह से आज वही परिणाम है कि जो आज 80 के प्लस टीकाकरण हो चुका है। थैंक यू।